कोरोना वायरस से डबरा की जनता को बचाने के लिए डबरा सिटी थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर संतोष विश्वकर्मा ने गली मोहल्ले में जाकर राहगीरों एवं आम जनता से अपील करते हुए देखे जा सकते हैं। बाद में अग्रसेन चौराहे पर 10 बाइक सवारों के ऊपर चालानी कार्रवाई भी की गई, जिससे 3,000 रुपए का शासन को राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं कुछ लोगों को समझाइश देकर बाहर ना निकालने को कहा। कोरोना वायरस के चलते डबरा में लॉकडाउन हुआ है, लेकिन कुछ लोग शहर की सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं। उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से दी समझाइश दी जा चुकी है। जो लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए डबरा सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल के आदेश पर उप निरीक्षक संतोष विश्वकर्मा ने कमान अपने हाथों में संभाली है। मैं मनोज कुमार चतुर्वेदी, इस समय दबंग न्यूज चैनल के लिए सिंध पुल पे हूँ, जहाँ पे दो सीमाएं मिलती हैं। उधर है ना आपकी दतिया सीमा है और सिंध पुल के उधर पार, और इधर जहाँ खड़ा हूँ वो ग्वालियर जिले की सीमा में आता है। चूंकि कह जे अभी बहुत कोरोना वायरस को लेकर हुए सीमा कई समय से सील है और कुछ लोग पाए गए हैं, इसलिए और सख्ती कर दी गई है। और कोई भी व्यक्ति जिसको जरूरी अनुमति ना हो या बिना उसको अनुमति के सीमा सील के इधर पार नहीं जाने दे रहे। ऐसे ही हमारे जो पुलिस स्टाफ वगैरह पूरी ऑन ड्यूटी है, आपके ना और भी डॉक्टर के प्रशासनिक अधिकारी पूरी टीम यहाँ खड़ी हुई है और चेक कर रहे हैं। जैसे एक ये गाड़ी है, आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ ये प्रशासनिक अधिकारी और उनके द्वारा ये जो अभी कार्रवाई चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? जो श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, उनके निर्देशों का पालन करते हुए जहाँ बॉर्डर है जिले का उस पर सख्ती की गई है, और आने जाने वालों पर जिनको परमिशन या किस तरीके की वो है उनको भी चेक करके, और उनको डॉक्टर्स टीम, हमारी प्रशासन की टीम है, सभी उनको जब संतुष्ट हो जाते हैं तभी उनको आने जाने की परमिशन दी जाती है। बल्कि अगर कोई ऐसा होता है तो बिल्कुल पूर्णतः उनको वापस कर दिया। जैसा कि अभी है ना, कल परसों एडिशनल SP साहब दिया है, तो उन्होंने भी यहाँ पे एक निर्देशक दिया है कि जैसे जो कोई अपडाउन कर रहा है या उसको एक लिस्ट बना ली जाए, तो उस पर आप काम कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल किया गया है। उनकी नोटिंग कर ली जाती है, और जो जाते हैं ना उनका नोट कर लिया जाता है, और आने के बाद भी उनको यहाँ पर नोट करवा के जाते हैं, और कब साथ में बैठे हैं ज़्यादा चेक। यहाँ कार्रवाई जो है लॉकडाउन का पूरा जो है पालन किया जा रहा है सभी के द्वारा, कर्मचारी जितने भी लगे हुए हैं यहाँ पे बराबर काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग है ना निकल रहे हैं या जरूरी है वो करें, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? अनुमति वाले लोगों को निकलने दिया जा रहा है, या जिनकी मेडिकल इमरजेंसी है वही लोग को जाने दिए जा रहा है। डॉक्टर साहब को भी पर्चे वगैरह लिखवा लोगे आपको, और महसूस होता है कि वास्तव में इमरजेंसी है। आपके द्वारा जो चेक किया जा रहा है मशीन से, तो अभी तक कोई सर अभी तो हमको एक भी केस नहीं मिला है। टेम्परेचर हमारा जितने चेक किया है सबका नॉर्मल आ रहा है, और जैसे इमरजेंसी की बात है तो हम उनको देख के चेक कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, पर्चा उनका नया है उस हिसाब से, या किसी की प्रेगनेंसी है, हार्ट डिजीज का पेशेंट है, या साइकेट्रिक पेशेंट है जिसको इमरजेंसी है उसी को हम पास करने दे रहे हैं, नहीं तो किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे पूर्ण रूप से है ना कार्य किया जा रहा है, और है ना जो जरूरी भी है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी कारण नहीं है, सभी को फैल सकता है, इसलिए देश की सुरक्षा, और PM मोदी भी कह रहे हैं कि सब जने इसका पालन करें, तो जितना हो सके उतना हम भी दबंग चैनल के द्वारा कह रहे हैं कि आपको यदि कोई जरूरी कार्य ना हो तो आप घर पर रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा है, और आपके परिवार की सुरक्षा मतलब आपके मोहल्ले की, शहर की सुरक्षा है, और पूरे शहर की सुरक्षा मतलब राष्ट्र की सुरक्षा है। मैं मनोज कुमार चतुर्वेदी दबंग चैनल के लिए अपने कैमरामैन रवि परिहार के साथ।